हेलो, मैं श्रीलता, चीफ डाइटिशियन। आज हम न्यूट्रिशन और फिटनेस ऐसे चीज़ के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं। कोविड एक ऐसा डिजीज़ है जो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, और हम लोगों का इम्यून सिस्टम पहले से अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग मीडिया में पढ़ के ऐसे बोलते हैं कि ये खाने से इम्यून बढ़ता है, वो खाने से इम्यून बढ़ता है। इम्यून सिस्टम वो बचपन से बढ़ते आते हैं। जैसे हम लोग अच्छा खाना शुरू करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छा होएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पोस्ट कोविड, कोविड में लंग का इश्यूज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशन ड्रेन आउट हो जाता है। इतने सारे पोस्ट कोविड वीकनेस, शिवरिंग, फेंटिंग, डिजीनेस, इनएबिलिटी टू वॉक, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिप्राइवमेंट, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनके लिए, सबके लिए ओनली वन रूल इज़ बैलेंस्ड डाइट। जितना अच्छा खाना चाहिए उतना लिमिटेड खाना चाहिए। हमारे डाइट में प्रोटीन को जो फोकस नहीं करते हम लोग इंडियंस, जैसे हमारा प्रोटीन आम इंसान को 50 to 70 grams की ज़रूरत पड़ता है, तो इंडिया में लोग 20 ग्राम से कम हर दिन खाते हैं। माने सिंपल एग्जांपल, इतना सा राइस लेते हैं तो इतना सा सब्जी लेते हैं, देर इज़ नो प्रोटीन, यू हार्डली गेट 2 to 3 grams इन योर राइस। ऐसा लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट को भी खा लेते हैं लोग, तो प्रोटीन कुछ नहीं आया। जैसे आप वेस्टर्नर को देखते हैं, उनको हर एक मील में एग, चिकन, फिश या मीट कुछ तो भी रहेगा। जैसे उन लोग अंडा उबाल के ले लेते हैं दूध के साथ, ओट्स के साथ। जैसे हम लोग खाते हैं कि चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन नहीं। जैसे हम लोग राजमा, छोला, चना, सांबर, ये सारे चीज़ प्रोटीन होते हैं, तो हमारे डाइट में रहना चाहिए। ये प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पोस्ट कोविड जितना भी वीकनेस है, वेयर एंड टेयर ऑफ सेल्स है, ये सब प्रोटीन के वजह से इम्प्रूव होता है। तो हम लोगों का हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन डाइट में रखना चाहिए। ये होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे दूध, दही, पनीर और सोयाबीन्स में होता है। और नॉन वेज ले सकते हैं, चिकन, फिश, एग। ज़्यादातर रेड मीट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे या कम मात्रा में लें। ये होता है कि ये रेड मीट लेने से साइटोकाइंस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है बॉडी में, तो इनको कम मात्रा में लेना चाहिए। जब हेल्दी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो लोग रोज़ खा सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। तो पोस्ट कोविड स्टेटस में हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी नॉन वेज लेना चाहिए, और नट्स एंड ऑयल सीड्स हर दिन एक हैंडफुल लेना चाहिए। वाटर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी डाइटरी लिक्विड के हिसाब से 2 to 3 liters लेना चाहिए। और फाइबर बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इतने सारे ड्रग्स ले चुके हैं, इतना सारा गट हेल्थ खराब हो जाता है। माने हमारे इंटेस्टाइन में जो भी गुड बैक्टीरिया है वो पूरा वॉश आउट होता है। तो अच्छा फाइबर लेने से वो हमारा इंटेस्टाइनल गुड बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस अगेन बैक टू कम टू द नॉर्मल इम्यूनिटी। सो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सारे चीज़ हम लोगों को ध्यान से लेना चाहिए पोस्ट कोविड, और हाइड्रेशन के हिसाब से। पोस्ट कोविड, कोविड ड्यूरेशन, लॉकडाउन में हम लोगों ने ये विटनेस किया कि बहुत सारा वेट गेन हुआ है। बच्चे जो 10 इयर्स के अंदर हैं, उन लोगों ने भी 5 से 10 किलो का वेट गेन कर चुके हैं। सबका बॉडी शेप आउट हो गया, क्योंकि ये लोग घर में रह रहे, बाहर नहीं जा रहे, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया। तो सिंपली सुपरमार्केट के जाना और उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद के लाना है, जंक चॉकलेट्स, फूड्स, घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स, जंक्स करना है, घर में बैठ के स्विगी ऑर्डर करना है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हो गए। और सब लोगों को इतना स्ट्रेस था, और स्ट्रेस की वजह से उनका लाइफ यही है, स्टॉप हो गया, तो लेट अस एंजॉय, ऐसा एक कॉन्सेप्ट भी था। बहुत सारे लोगों को इतना सदमा, इतना डर हो गया कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन आवर ह्यूमन मैनकाइंड, इतना सारा ट्रॉमा जब भी नहीं हुआ, कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया। नॉट ओनली इन इंडिया, वेस्टर्न में भी और ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारा स्ट्रेस हो गया। तो लोग बहुत करना शुरू कर दिए, ये फियर ऑफ डेथ, देर इज़ नो लाइफ करके। इससे हम लोगों ने बहुत सारे विटनेस किया कि इतने सारे लोगों को ब्लड प्रेशर्स बढ़ गए, कि इतने सारे लोगों को एंजियोग्राम करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग हार्ट के भी आए हैं। कि ऐसा बिलीव है कि अभी कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे सिवाय कोविड का, बट वी हैड इवन हार्ट केसेस। इतने सारे लोगों का ब्लड कंट्रोल भी नहीं था। ये सब डर के वजह से बहुत कर रहे थे, स्ट्रेस हो रहे थे, और बुज़ुर्गों का नींद भी नहीं था।
दे वर हैविंग स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, बहुत सारे लोगों को इंसोमनीबिया हो गया था. तो ये सब चीज़ हो गया है, अभी इनका वेट कम होना चाहिए, तभी तो इनको सारे कोमॉर्बिड से दूर रहेंगे, माने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये हार्ट डिजीज से दूर रहेंगे. अगर इनका फिटनेस है जैसे एक्टिविटीज़ के साथ और डाइट के साथ, तो सब नॉर्मल हो जाएगा विद इन 3 months. ये जो 10-15 केजेस है, ये वेट लॉस 3 से 4 महीने में आराम से घट सकते हैं, हेल्दी वेट लॉस बाई डूइंग अ गुड एक्सरसाइज एंड बाई ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. तो सही हिसाब से आप बैलेंस्ड डाइट लेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो हम लोगों को डिजीजेस से फ्री लाइफ रहेगा, तो हेल्दी लाइफ रहेगा. तो आप लोग सबको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस मालूम रहना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए. थैंक यू.